इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। राजस्थान की रंग बिरंगी विरासत की जब बात होती है तो गुलाबी शहर जयपुर का नाम ना आना नामुमकिन है। और जयपुर का नाम सुनते ही तो ज्यादातर एक ही छवि सामने आती है, वो है हवा महल की। शहर की बड़ी चौपड़ पर स्थित हवा महल जयपुर का एक पर्यायवाची सा बन गया है। मगर क्या आप जानते हैं कि झरोखों से सजा ये महल जैसा दिखता है सिर्फ वैसा नहीं है। अगर आप जयपुर में हैं, तो सिटी पैलेस और जंतर मंतर का उल्लेख नहीं चूक सकते। ये दोनों ही जगह जयपुर के इतिहास में बेहद महत्व रखती है। बेहतरीन वास्तुकला, इतिहास और विरासत के अनोखे मिश्रण वाले जयपुर शहर की स्थापना राजपूत शासक सवई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में की थी। सवई जयसिंह द्वितीय ने मुगल शासक औरंगजेब के लिए उनकी सेनाओं का नेतृत्व किया था। कछवाहा समुदाय के जयसिंह की पहली राजधानी आमेर का किला था, मगर बढ़ती तादाद और जरूरतों को देखते हुए उन्होंने आमेर से थोड़ी ही दूर एक खाली स्थल पर जयपुर का निर्माण कर उसे अपनी नई राजधानी बनाया। वास्तुकला और नगर नियोजना के प्रशंसक जयसिंह ने इस नई राजधानी की योजना वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए बनवाई थी। 9 खंड में विभाजित जयपुर एक वास्तुमंडल पर आधारित है। इसके बीच के हिस्से पर 2 खंडों में सिटी पैलेस बना हुआ है। महल की सरहद के अंदर ही जंतर मंतर भी बनवाया गया, जो कि एक वैज्ञानिक वैद्यशाला है। अद्भुत वास्तुकला वाले सिटी पैलेस और जंतर मंतर आज भी जयपुर की शान है। जयसिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह भी उन्हीं की तरह साहित्य, चित्रकला और वास्तुकला के एक उत्साही प्रशंसक थे। और अपने राज्यकाल में उन्होंने सिटी पैलेस में एक हिस्सा और जोड़ दिया, जिसे आज हम हवा महल के नाम से जानते हैं। आप जहां भी जयपुर का जिक्र पाएंगे, वहां ज्यादातर हवा महल को भी पाएंगे। 300 से ज्यादा हवादार झरोखों वाला ये महल जयपुर के सबसे अधिक देखे जाने वाले और अद्वितीय स्मारकों में से एक है। मगर बहुत से लोगों को हवा महल की दिखती दीवार के पीछे के इस महल के बारे में शायद ही पता है। आम नजरों को ये एक बहुत सारी खिड़कियों वाली दीवार जैसा एक ढांचा दिखता है, पर असल में इसके पीछे एक पूरा महल है जिसमें कई बड़े बड़े आंगन और कमरे भी हैं। पूर्वी दिशा में देखता हवा महल का बाहरी भाग असल में इस पूरे भवन का एक हिस्सा है। 1778 से 1803 तक जयपुर के राजा रहे प्रताप सिंह को ही हवा महल के निर्माण का श्रेय जाता है। मुगल और राजपूत की मिश्रित वास्तुकला का ये नमूना सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में शहर के निर्माणकर्ता लालचंद उस्ताह की मदद से बनवाया था। इस महल की प्रेरणा राजस्थान के झुंझुनू में खेतड़ी महल से मानी जाती है। खिड़कियों और जालियों से सजे हवा महल के निर्माण के पीछे भी एक रोचक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि सवाई प्रताप सिंह ने ये महल इसलिए बनवाया था जिससे उनके शाही परिवार की औरतें शहर में सड़कों पर हो रहे कार्यक्रमों को इन खिड़कियों से देख सके बिना जनता के नजरों में आए। ये भी माना जाता है कि कृष्ण भगवान को मानने वाले प्रताप सिंह ने ये महल कृष्ण और राधा को समर्पित किया था और उनकी बनावट कृष्ण के मुकुट जैसे बनवाई थी। हवा महल अंदर से सिटी पैलेस से जुड़ा हुआ ही है और महल के जनाना महल के पास का हिस्सा है। महल में अंदर घुसकर पहले आंगन के पास बरामदे और कमरे हैं। थोड़ा ही ऊपर दूसरा आंगन है। यहाँ से एक रैंप के जरिए ऊपर की बाकी 5 मंजिलों तक पहुँचा जा सकता है, जहाँ से नीचे की सड़कें देखी जा सकती है। दूसरी और तीसरी मंजिलों पर कमरों के दोनों तरफ खुली छतें हैं, जिन्हें चांदनी कहा जाता है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए आखिरी मंजिलें इमारत को एक पिरामिड का रूप देती है। महल के अंदर रंगीन कांच की खिड़कियां, जो राजपूत बनावट का एक हिस्सा है, वो भी देखी जा सकती हैं। सबसे ऊपर बने छोटे गुंबदों को सुनहरे रंग की कलश की सजावट पूरा करती है, जो कि पूरी इमारत को भी एक पूर्ण रूप देती है।
नाम के अनुरूप हवा महल की छतें और आंगन पूरी इमारत को हवादार बनाए रखने में सहायक है। और इतनी विशाल दिखती ये 5 मंजिलें भी वास्तव में हल्के निर्माण की तकनीकों से बनी है। गुलाबी गेरुआ बालुआ पत्थर से सफेद कारीगरी से सजा हवा महल अपने आप में वास्तुकला का एक बेहद अनोखा प्रदर्शन है। हवा महल आज भी जयपुर की राजपूत वास्तुकला और इतिहास की शान है।